अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और इस बार छुट्टियों में कहीं जाने का प्लान नहीं है, तो हम लोग यूएई को ही एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं फुजैरा फॉर 2 नाइट्स, और फिर वहाँ से हम लोग दूसरी 2-3 प्रॉपर्टीज़ पे भी स्टे करेंगे। और तो जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ेगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं फुजैरा के लिए, और रास्ते में जो है एडनॉक पेट्रोल स्टेशन हमें दिख गया था, तो यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, क्योंकि वही है, बच्चों को चटर पटर करते हुए जाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे लेडीज़ प्रेयर एरिया भी था, तो मैंने यहाँ पे जोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, और पेट्रोल स्टेशन से बच्चों ने अपने लिए चिप्स और मैंने अपने लिए कॉफ़ी ले ली थी। तो ये देखिए बादल कितने खूबसूरत लग रहे थे और नज़ारा बहुत ही ज़्यादा हसीन था। और अब तो वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है यूएई में, तो ऐसे वेदर में जो है लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने का, स्टेकेशन करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम लोग जो है वो टोटल 5 नाइट्स और 6 डेज़ के लिए निकल पड़े हैं मिनी से वेकेशन के लिए विद इन यूएई, और फर्स्ट 2 नाइट्स के लिए हम जा रहे हैं फुजैरा। तो यहाँ पे बीच में हमें रास्ते में डिब्बा गेट करके एक जगह मिली है, और वहाँ वहाँ पर जो है ना लाइन से जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट था, इतना अच्छा ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट था, और सारे कट फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से हम लोग थोड़े फ्रूट्स ले लेते हैं, जो हम लोग रास्ते में और होटल रूम पर जाके आराम से खाएंगे। तो हम लोगों ने कच्चे आम, फिर उसके बाद गुआवा, फिर उसके बाद मैंगो, पपैया वगैरह ये सब ले लिया था। और ये एक मिल्क शेक मुझे इतना अच्छा लगा, ये मैंने टिकटॉक पे काफ़ी देखा है, ये जो नारियल पानी होता है उसके अंदर की जो मलाई होती है ना, उसका मिल्क शेक बना के देते हैं। आई थिंक ये फुजैरा की ही स्पेशलिटी है, क्योंकि दुबई में तो मुझे ये मिल्क शेक कहीं नज़र नहीं आता। बस अभी थोड़ा सा ही सफ़र बाकी था, और देखिए यहाँ पे बीच साइड पे लोग कितने अच्छी तरीके से जो है वो कैंपिंग कर रहे थे। बहुत सारे यहाँ पे जो है कारवान भी लगे हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे कैंपिंग करने के लिए, ओवरनाइट कैंपिंग करते होंगे ये लोग। तो एक दिन हम लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर कैंपिंग करेंगे। तो ये देखिए लाइन से कितनी ज़्यादा कार्स थी, और बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि हम आए थे वीकेंड पे। फिर देखिए हम अपने होटल पहुंच गए, जो कि बुक किया था हमने इंटरकॉन्टिनेंटल फुजैरा रिसोर्ट फॉर 2 नाइट्स। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं, चलते हैं अंदर, चेक इन फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट करते हैं, लंच वगैरह खाते हैं, और फिर चेक इन करते हैं अपने रूम में। चेक इन फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे ही हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए।
तो लंच में मैंने तो इंडियन ही लिया था, दाल मखनी थी और थोड़े छोले थे, चावल थे, अजान ने नूडल सूप और पिज्ज़ा लिया था, और मेरे हस्बैंड ने लिया था पास्ता, और अयान हम सब में से थोड़ा थोड़ा खा रहा था। इसके बाद हम लोग चेक इन कर रहे हैं अपने रूम में, जो कि था रूम नंबर 130, और बहुत ही बेसिक सा ही रूम था। और सबसे बुरा जो है वो मुझे इसका व्यू लगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका व्यू कैसा था। रूम तो माशाल्लाह अच्छा ही था, लेकिन जो व्यू के लिए हम लोग आए थे ये वो व्यू नहीं था। बिल्कुल एक सामने एक ट्री था जो कि पूरा व्यू ब्लॉक कर रहा था, और हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे कि ये रूम से हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मैनेजर से बात की और उन्हें समझाया कि हम इतनी दूर इस व्यू के लिए नहीं आए हैं। तो जब तक वो लोग हमारे लिए दूसरा रूम एलोकेट कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे अपने फ्रूट्स खाना शुरू हो गए थे, वरना ज़्यादा देर रखने से ये ख़राब हो जाते। तो बहुत ही जल्दी हमें दूसरा रूम मिल चुका था, जो कि हमने एक्चुअली बुक किया था यही व्यू के लिए। तो पहले शायद उन्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, इसलिए हमें जो है वो फर्स्ट फ्लोर वाला रूम एलोकेट किया था, लेकिन अब ये लोगों ने हमें बिल्कुल सही रूम दिया था, और ये था 625, विच वॉज़ ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, और बिल्कुल जो है इसका व्यू वही था जो मुझे चाहिए था। तो सी व्यू है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। एक तरफ पहाड़ थे, एक तरफ सी था, और नीचे पूल वगैरह का एरिया था, लाइव म्यूज़िक चल रही थी, बहुत ही खूबसूरत माहौल था। लेकिन अब क्योंकि सनसेट हो चुका है, तो शायद इतना अच्छा ये नज़ारा समझ नहीं आएगा। इसका अच्छा व्यू मैं आपको सुबह इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब हम लोग रूम में चेक इन करने के बाद, अपना बैगेज वगैरह सब जगह पे चीज़ें रखने के बाद, हम लोग नीचे आ गए थे एक राउंड मारने के लिए प्रॉपर्टी का। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वो सब देखने के बाद फिर शायद हम लोग कहीं बाहर निकलेंगे। तो प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए थे, सोचे कि चलो अच्छी सी चाय पीते हैं और एक अच्छा सा ड्राइव लेते हैं, फुजरा देखते हैं कि रात में कैसा लगता है। तो ड्राइव करते करते हम लोग एक बहुत ही अच्छी जगह पे पहुंच गए थे। ये यहाँ का मिनी ग्लोबल विलेज नज़र आ रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राइड्स वगैरह थे, बच्चों का प्ले एरिया था, ट्रैम्पोलिन था, और लाइन से जो है वो फूड ट्रक्स भी लगे हुए थे। और इन फूड ट्रक्स में जो यहाँ के लोकल्स थे वो काफ़ी सारा जो है इनका लोकल फूड सेल कर रहे थे, जैसे कि लुके माथ, फिर उसके बाद हरीस वगैरह भी था। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हम भी स्टॉप करते हैं और इन लोकल्स के हाथ का बना हुआ जो स्नैक्स वगैरह है वो सब ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, ये वाले फूड ट्रक पे हम रुके थे, और यहाँ पे इस तरह से ये जो आंटी है ना, इन्होंने घर से जो है वो खाना बनाकर इस तरह हॉट पॉट में रखा था, और यहाँ पे गर्मा गर्म रिगाग भी बन रहा था। साथ में हमने ले लिया था हरीस, और अयान अपना ऑल टाइम फेवरेट स्नैक जो कि है पॉपकॉर्न इन्जॉय कर रहा था। हरीस वॉज़ ओके, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और अजान ने ले लिया था उसका फेवरेट लुके मात भी ठीक ठाक ही था। फिर उसके बाद जो है हम लोग काफ़ी देर तक ड्राइव करते रहे अराउंड फुजैरा सिटी, तो काफ़ी अच्छा लगा फुजैरा सिटी रात में देखकर। और लास्ट स्टॉप जो था हमारा डिनर के लिए वो ये था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था, हमें अचानक से ये रेस्टोरेंट दिख गया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इनका एम्बियंस वगैरह सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये इमराती अरेबिक रेस्टोरेंट था, तो सोचे कि हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है।
तो ये देखिए यहाँ पे एम्बियंस कितना अच्छा है, और मोस्टली यहाँ पे जो है वो लोकल्स और एमरातीज ही मुझे नज़र आ रहे थे। और यहाँ मेरे पीछे मेरे हस्बैंड की और बच्चों की काफ़ी सीरियस गुफ्तगू चालू थी। खैर, तो खाना आ चुका था हमारा। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था हुमुस, और हुमुस ये लोग सर्व करते हैं, इनकी एक स्पेशल रोटी है उसके साथ। बहुत अच्छा था हुमुस, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल ऑथेंटिक अरेबिक टेस्ट था उस हुमुस में। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का विथ राइस, और अयान के लिए था मटन विथ राइस। अजान ने ऑर्डर किया था लैम्ब चॉप्स, साथ में ढेर सारी हरी मिर्चें, क्योंकि इसके बिना तो खाना अधूरा है। और हमारा तो खाना हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे अयान के फ्रेंड्स, तो अयान ने खाना खुद कम खाया लेकिन इन्हें ज़्यादा खिला दिया, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अयान ने इनको दी, और इनका भी बहुत अच्छे से पेट भर चुका था, और साथ साथ अयान का एंटरटेनमेंट भी हो रहा था। तो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था अयान इन कैट्स को देखकर और इन्हें खिलाकर। और यहाँ पे देखिए एक्साइटमेंट में इसके कैसे एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं। तो बस खाना वगैरह ख़त्म हो चुका था, अभी हम लोग जा रहे थे अपने होटल रूम पे। तो ये था हमारा डे 1, और आप लोग अगर कभी फुजेरा में आते हैं तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा इधर अरेबिक खाना मिलता है। तो बस अभी चलते हैं रूम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। हम लोग सुबह से निकले हैं, काफ़ी लंबा ड्राइव करके हम यहाँ पे आए हैं, तो अभी रूम पे जाएंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे, सो जाएंगे, और कल का भी पूरा दिन है हमारे पास फुजैरा देखने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग खोरफकान साइड पे जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, मेरा व्लॉग देखते रहिए, आई एम श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगी आपसे नए वाले वीडियो या व्लॉग के साथ, तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।